हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट। और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर फीमेल का, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, यंग हो या ओल्ड एज हो, उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं के लिए ही नहीं, घर के मर्दों के लिए, मेल के लिए, चाहे वो बेटा है, हस्बैंड है या सन है, उसको भी ये टॉपिक समझने की बहुत ज़रूरत होती है। आज हम एक ऐसे कैंसर के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है हमारी फीमेल्स में। उसको कहते हैं हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या कार्सिनोमा सर्विक्स। जो पहला मोस्ट कॉमन कैंसर होता है फीमेल में इंडिया में, वो ब्रेस्ट है। उसके बाद कार्सिनोमा सर्विक्स आता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि उसके कॉज क्या होते हैं, वो किन कारणों से होता है, उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, आप उसे कैसे पहचानोगे कि कहीं मुझे ये तो नहीं है, और उसका अगर डायग्नोज हो गया है तो आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। आज इस वीडियो में हम यही सब बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं बच्चेदानी और बच्चेदानी का मुंह दो अलग चीज़ें होती हैं। बच्चेदानी का मुंह का कैंसर इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन है। इसके जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं, जो रिस्क फैक्टर होते हैं, वो सबसे पहले होता है HPV वायरस। HPV वायरस एक तरह का वायरस होता है जिसकी कम से कम 150 सब टाइप पाए जाते हैं। सब टाइप मतलब HPV वायरस के डिफरेंट स्ट्रेन्स। तो जो कैंसर कराते हैं वो अलग स्ट्रेन्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाई रिस्क HPV। और जो वार्ड कराते हैं, वार्ड मतलब मस्से, वो लो रिस्क HPV वायरस में आते हैं। तो जो हाई रिस्क HPV वायरस होते हैं वो होते हैं 16, 18, 31 एंड 33। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के HPV वायरस हैं जिनके अगेंस्ट आजकल मार्केट में वैक्सीन आ गया है। दूसरा होता है हाई रिस्क जो रिस्क फैक्टर है उसमें आएगा मल्टीपल सेक्स पार्टनर, यानी कि सेक्सुअल हिस्ट्री। अगर कोई फीमेल एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से पहले ही सेक्सुअली एक्टिव है, उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, या उसका ऐसा सेक्सुअल पार्टनर है जिसके मल्टीपल पार्टनर हैं, या उसको हाई रिस्क HPV वायरस का इन्फेक्शन है, तो वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर में आता है। तीसरा होता है मल्टीपल चाइल्ड बर्थ। अगर किसी फीमेल की मोर देन 3 चाइल्ड बर्थ हैं तो वो भी हाई रिस्क में आते हैं। उन इन सब का जो लिंक है बेसिकली वो है कि ऐसी फीमेल्स मोर सेक्सुअल एक्सपोजर के लिए एक्सपोज होती हैं, एंड सेक्सुअल एक्सपोजर ही HPV वायरस को स्प्रेड कराता है। क्योंकि जो HPV वायरस होता है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। सभी HPV वायरस कैंसर नहीं कराते, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन ही कैंसर कराते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों में कैंसर कराते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कार्सिनोमा सर्विक्स की। अगला पॉइंट हो गया कि कोई फीमेल जो स्मोकिंग करती है वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, क्योंकि जो स्मोकिंग करने वाली फीमेल्स होती हैं उनमें 2 times ज़्यादा चांसेस होते हैं इस कैंसर के एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फीमेल जो स्मोकिंग नहीं करती हैं। और उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जो रिसर्च हुई है उनमें देखा गया है कि जो स्मोकिंग में जो सब्सटेंस होते हैं जो आप इनहेल कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं जाके जो सर्विक्स होती है, उसकी जो सेल्स होती हैं, उसके DNA को डिफेक्टिव बनाता है। अगला होता है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो पुअर पॉपुलेशन है या फिर जो पुअर फीमेल हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होती, उन्हें स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स नहीं पता होते या प्रिवेंटिव टूल्स नहीं पता होते, तो वो भी काफ़ी प्रोन होती हैं। अगला आ जाता है कि अगर पेशेंट मतलब फीमेल को कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, लाइक क्लेमाइडिया, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो फीमेल को ज़्यादा पता नहीं होता है। क्लेमाइडिया इन्फेक्शन जो कार्सिनोमा सर्विक्स की सेल्स होती है उसको प्रोन बनाता है कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर किसी फीमेल की इम्यूनिटी डाउन है, लो इम्यून सिस्टम, चाहे वो इस वजह से है कि उसको HIV हो रखा है, या फिर वो कुछ ऐसी मेडिसिन ले रही है किसी बीमारी की वजह से, या किसी उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है तो वो कुछ ऐसी मेडिसिन ले रही है जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाए, तो ये फीमेल्स भी प्रोन होती हैं कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए। तो ये कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स थे जो मैंने बताए कि ये कार्सिनोमा सर्विक्स कराते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि कैसे पता चलेगा कि कार्सिनोमा सर्विक्स तो नहीं है। कार्सिनोमा सर्विक्स ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के कुछ पिक्यूलियर प्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें ब्लीडिंग की हिस्ट्री होती है,
ये आफ्टर सेक्स हो सकती है, इंटरकोर्स के बाद हो सकती है, या मेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है ब्लीडिंग, या फिर मीनोपॉज के बाद उस फीमेल को ब्लीडिंग हो रही है, तो ये थोड़ा सस्पिशन बताते हैं या फिर डाउट क्रिएट करते हैं कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला होता है कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। जो कार्सिनोमा सर्विक्स है, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का जो डिस्चार्ज होता है वो पिक्यूलियर होता है, फाउल स्मेलिंग बहुत ही, जो पेशेंट हिस्ट्री देते हैं वो बताते हैं कि मैम बहुत, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मैं पैड कई बार बदलना पड़ता है, बहुत ही स्मेल आती है एकदम रोटन एग और रोटन फिश वाली। तो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज एक ये हिस्ट्री होती है। कुछ पेशेंट्स को डिस्चार्ज के साथ साथ पेल्विक पेन, जिसको हम बोलते हैं पेड़ों में दर्द हो रहा है, पेड़ों में दर्द होता है, या फिर लोअर बैक एक उनको बना रहता है, या लोअर लेग्स में, बाइलैटरल लेग्स में पेन रहता है। कभी कभी डिस्चार्ज के साथ साथ दोनों पैरों की स्वेलिंग आ जाती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनमें अगर फीमेल एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो नहीं हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी का कैंसर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब आ जाते हैं कि आप इसके लिए क्या कर सकते हो। ये एक बहुत ही अवेयरनेस का टॉपिक है, इस पर एक अलग वीडियो बनेगा, डिटेल में मैं बनाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि प्रिवेंटिव टूल्स आ गए हैं, स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, इसके लिए वैक्सीन आ गई है, सबसे अच्छी चीज़ ये है, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो कोई भी इस वैक्सीन को लेता नहीं है। अनमैरिड फीमेल्स में आइडियली ये वैक्सीन लग जानी चाहिए, लेकिन इंडियन सिनेरियो में हम 40-45 ईयर्स तक भी कंसिडर करते हैं। पैप स्मियर HPV स्क्रीनिंग टेस्ट आ गए हैं, जिससे हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मॉडलिटी है पता करने की। गाइडलाइंस आ गई हैं अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की, और भी बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं जो कैंसर पे काम करती हैं, उन्होंने अपनी गाइडलाइंस निकाली हुई हैं कि आप कब कब किस एज में कब कब पैप स्मियर कराएंगे, कब HPV टेस्ट कराएंगे, तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगला होता है कि अगर डायग्नोज हो गया तो क्या करना है, और डायग्नोज कैसे करना होता है। डायग्नोज होता है पेशेंट की जो सबसे पहले जांच होती है, अगर उसको डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग आ रही है, कुछ गायनिकोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट नीचे के रास्ते चेक करती हैं, जिसे हम बोलते हैं पर वेजाइना एग्जामिनेशन। अगर वहाँ पे कुछ अल्सर है, कोई ग्रोथ है, फिर हम उसके टुकड़े की जांच ले लेते हैं। अगर उसमें कैंसर आ गया, फिर आगे फर्दर वर्कअप हम लोग करते हैं, हम पता लगाते हैं कि किस स्टेज का है, क्योंकि कार्सिनोमा सर्विक्स इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और इस कैंसर की अच्छी बात यह है कि ये कम्प्लीटली क्योरेबल है अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो। तो अगला स्टेप आता है बायोप्सी के बाद कि हम इसका वर्कअप कैसे करें। तो वर्कअप के लिए हम इसका पूरा पेशेंट का एक बेसलाइन रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसकी कार्डियक इवेल्युएशन कराते हैं, होल बॉडी पैट सीटी कराते हैं कि बॉडी में कहीं और तो नहीं फैला है, लोकलाइज्ड है। फिर हम इसकी स्टेजिंग करते हैं कि गायनी जो कैंसर्स होते हैं उनकी स्टेजिंग TNM स्टेजिंग से थोड़ा अलग होती है, फिगो स्टेजिंग हम बोलते हैं। तो फिगो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होता है। बट इस वीडियो में मैं एक ओवरऑल आइडिया ये देना चाहती हूँ कि इसके ट्रीटमेंट में करना क्या होता है। बेसिकली अगर ये कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया, वेरी अर्ली स्टेज, मैं स्टेजिंग में डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू द नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लोगों के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट है स्टेजिंग को, बट एक आइडिया के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज में है तो सर्जरी कर देते हैं। बट इंडियन कल्चर में फीमेल्स कभी भी अर्ली स्टेज में नहीं आती हैं। अगर वो अर्ली स्टेज में आएंगी या फिर एडवांस स्टेज में आएंगी तो जनरली हम वर्कअप करने के बाद देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर फीमेल बहुत एडवांस स्टेज में आ रही है, लाइक 4B में आ रही है और आसपास फैल चुका है या बॉडी में कहीं फैल चुका है, तो कीमोथेरेपी देते हैं, फिर देखते हैं कि हम रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी साथ में दे सकते हैं नहीं दे सकते। बट उससे पहले की स्टेज के लिए मैं बताना चाहती हूँ, जो इंडिया में फीमेल मोस्टली आती हैं जिस स्टेज में, वो स्टेज 2 और 3 में आती हैं जनरली। तो स्टेज 2 और 3 में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी है। जब भी हम किसी को बोलते हैं कि आपकी ना रेडियोथेरेपी लगेगी, वो एकदम से डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है, कैसे लगेगी, क्या होगा। रेडियोथेरेपी बहुत ही इफेक्टिव नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है, बट कार्सिनोमा सर्विक्स के केस में ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, मतलब ये आप कह सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसके बिना कार्सिनोमा सर्विक्स का ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर कभी भी डायग्नोज हो रहा है तो कंप्लीट ऑन्कोलॉजी सेटअप में जाएं, जहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, गायनी ऑन्को अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना ऑन्को सर्जन होनी चाहिए। अगर ऑन्को सर्जन कह देते हैं कि सर्जरी करके हम निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कराइए। अगर नहीं करते हैं तो बिना देर किए कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी शुरू करिए।
कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के अलग सेशंस या वीडियोस में बनाऊंगी डिटेल में कि क्या करना होता है, कैसे देनी होती है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। अभी इसमें मैं इतना ही बताऊंगी कि अगर स्टेज 2 और 3 में डिटेक्ट होता है तो कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। हाँ, इसमें रेडियोथेरेपी दो तरह से दी जाती है जो जनरली लोगों को नहीं पता होता है। एक तो हम बाहर से रेडियोथेरेपी देते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। इसकी आजकल बहुत हाई फाई टेक्निक्स मशीन आ गई हैं जो बहुत ही इफेक्टिवली ट्रीट कर देती हैं। दूसरा होता है ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकी मतलब नियर ट्यूमर। हम इसमें पेशेंट को जहाँ ट्यूमर पड़ा है वहीं स्पेसिफिकली जाके रेडिएशन डिलीवर करते हैं, और ये एक अलग टाइप का रेडिएशन है ब्रैकीथेरेपी। एंड मतलब रेडिएशन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बाहर से देना और अंदर से देना। जब पेशेंट 2 में 3 में या 4 में डायग्नोज होता है तो दोनों को कंबाइंड दिया जाता है। अगर दोनों को कंबाइंड नहीं देते हैं तो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है। लोगों को बहुत सारे डाउट्स ये भी होते हैं, कभी कभी लोग बेचारे परेशान होते हैं, उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती हैं या फिर उन्हें कहीं दूर किसी और शहर में जाके ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लेकर अगर बाहर जाकर अगर ट्रीटमेंट लेना पड़े तो लीजिए, क्योंकि ये वर्थ है, इसके बिना ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट होता है। तो आज मैंने इस वीडियो में बेसिक कार्सिनोमा सर्विक्स के बारे में बताया कि क्यों होता है, कैसे होता है, अगर होता है तो क्या ट्रीटमेंट लेना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को शेयर करो, क्योंकि आप ऐसा करने से किसी की लाइफ प्रोटेक्ट कर सकते हो। और फीमेल हर घर की एक नींव होती है जिससे मतलब पूरा घर चलता है, तो फीमेल को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि मोस्ट वुमन कैंसर है इंडिया में, उन्हें उसी के बारे में नहीं पता, उसके क्या स्क्रीनिंग टूल्स हैं, क्या प्रिवेंटिव टूल्स हैं, उन्हें उसी के बारे में नहीं पता। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, उन्हें इन्फॉर्म करो, उनके साथ ये नॉलेज शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो ये आपको पसंद आए, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।